हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 20 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। 20 सितंबर 2019 से संभावित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि तेजस। अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तेजस, जो कि एक हल्का लड़ाकू विमान है, इसमें उड़ान भरी और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं। 19 सितंबर को ये उड़ान भरी गई थी बेंगलुरु से। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ये तेजस है ये पूरी तरीके से स्वदेश में निर्मित है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है। जैसा कि सभी को पता होगा कि इससे पहले तेजस ने एक और रिकॉर्ड बनाया था। ये अरेस्ट लैंडिंग करने वाला देश का पहला स्वदेशी विमान बन गया था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, 2 दिन पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि सितंबर 2019 में किस देश ने ई सिगरेट को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। तो अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से ई सिगरेट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो नया नियम निकाला गया है उसके मुताबिक ई सिगरेट का उत्पादन करना, उसका आयात करना, निर्यात करना या फिर उसको स्टोर करके रखना एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। और अगर ऐसा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है, पहली बार अगर ऐसा अपराध करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको 1 वर्ष तक की कैद हो सकती है। साथ ही साथ उसको 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है या फिर ये दोनों ही, यानी कि 1 वर्ष की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना दोनों ही देने पड़ सकते हैं। जबकि अगर दूसरी बार वो पकड़ा जाता है तो दूसरी बार में उसको 3 वर्ष की कैद होगी और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो भारत में पूर्णतः ई सिगरेट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जो ई हुक्का वगैरह होते हैं वो भी जो है ई सिगरेट के अंतर्गत रखे गए हैं, तो उन पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सितंबर 2019 में जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सरकार ने कितने बिजली परियोजनाएं शुरू की हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 15। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए सरकार की तरफ से 15 बिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा बहुत सी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू की जा रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि धारा 370 हटने के बाद वहां पर स्थिति को सामान्य करने के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इन दो हिस्सों में जो है जम्मू कश्मीर को बांटा जाएगा और 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों ही अस्तित्व में आ जाएंगे। यानी कि लद्दाख अलग हो जाएगा और जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो अलग हो जाएगा 21 अक्टूबर 2019 से। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की अभी वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखें, क्योंकि अभी जो है अलग नहीं हुआ है औपचारिक रूप से, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और राज्यपाल हैं वर्तमान में सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि 19 सितंबर को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में। 19 सितंबर को जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यशाला में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय जल संग्रहालय विकसित करने का जो है योजना, यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है कि राष्ट्रीय जल संग्रहालय विकसित किया जाए ताकि लोगों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूक किया जाए, उनको प्राकृतिक संसाधनों को के संरक्षण के प्रति उनको जागरूक किया जाए। इसके अलावा केंद्रीय जल मंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नया मंत्रालय है तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय जल मंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 4। अभी हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर जो टोटल सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या बढ़कर 34 हो गई है। इससे पहले 31 जो है सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या थी, लेकिन अभी हाल ही में नया परिवर्तन यहाँ पर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जो जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाकर 34 कर दिया गया है। तो ये 34 की 34 सीटें अभी भर चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो नए न्यायाधीश हैं, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि नए न्यायाधीशों में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कृष्ण मुरारी को भी उच्चतम न्यायालय भेज दिया गया है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बी राम सुब्रमण्यम को भी मुख्य न्यायाधीश थे ये हिमाचल प्रदेश के, तो इनको भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है।
राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एस रविंदर भट्ट को भी मुख्य न्यायाधीश थे ये राजस्थान के, और इनको भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया है। इसी तरीके से केरल के मुख्य न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय को भी सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। तो चार जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको कि न्यायाधीश नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट है अभी वर्तमान में मैंने बताया कि ये सर्वाधिक संख्या है, 34 जो न्यायाधीशों की संख्या है ये अब तक का सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि अभी तक जो है इतनी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में कभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हुई थी। बाकी ये जो हैं इनमें नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी मुख्य न्यायाधीशों की, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊँगा जब ये यहाँ पर नियुक्तियाँ होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में डैश पुलिस ने नागरिकों की सेवा हेतु तत्पर ऐप लॉन्च किया है। तत्पर ऐप किस पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में? उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी हाल ही में तत्पर नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। बेसिकली दिल्ली पुलिस की तरफ से ये वेबसाइट, दिल्ली पुलिस की तरफ से जितनी भी वेबसाइट हैं और जितने भी ऐप हैं उन सभी ऐप और वेबसाइट को संग्रहित करके इस ऐप को बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग ऐप लॉन्च किए हैं, लेकिन ये जो तत्पर ऐप है इसमें सभी ऐप दिल्ली पुलिस की तरफ से जितने भी ऐप अभी तक लॉन्च किए गए हैं उन सभी ऐपों के बारे में जानकारी आपको इस तत्पर ऐप के अंतर्गत मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर कौन है? शीतकालीन ओलंपिक, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर है पांडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, यहाँ पर से दो चीज़ें हमें याद रखनी है। पहला तो पांडा, बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये पांडा है, इसका नाम है बिंग ड्वेन ड्वेन, तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। ये वाला भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक होंगे, शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022, ठीक है, बीजिंग में, उसका जो शुभंकर है वो है लाल कलर का लालटेन, ठीक है। और ये जो लालटेन है इसको नाम दिया इसका नाम है सुएल रॉन रॉन, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से पता होना चाहिए, सुएल रॉन रॉन जो है इस लालटेन का नाम है, ठीक है। तो एक तो पांडा हो गया जिसको शीतकालीन ओलंपिक 2022 का शुभंकर बनाया गया है, और शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर लाल लालटेन को बनाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसे अमेरिका में एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं, इनको अमेरिका में फाउंडेशन फॉर एक्सलेंस संगठन की तरफ से एजुकेशन एक्सलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये जो पुरस्कार है ये इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा मुहैया कराई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार तेज़ी से बढ़ने वाले दुनिया के 5 शीर्ष एयरपोर्ट में भारत के कितने एयरपोर्ट शामिल हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 2। अभी हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें जो टॉप 5 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले जो एयरपोर्टों की जो सूची है उसमें टॉप 5 में भारत के 2 एयरपोर्ट शामिल हैं, जिसमें से एक बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पहले स्थान पर रखा गया है, और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो टॉप 5 में हमारे 2 एयरपोर्ट हैं जो कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले एयरपोर्ट यहाँ पर माने गए हैं, टॉप 5 में इनको स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने 54 घंटे में 4 बार नॉन स्टॉप अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि सारा थॉमस। अभी हाल ही में सारा थॉमस जो कि अमेरिका की एक महिला है, इनकी तरफ से एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। इन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर पार किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार, और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है। 54 घंटे लगभग जो है इनको लगे, 54 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इनको लगा इस रिकॉर्ड को स्थापित करने में। इससे पहले 3 बार बिना रुके सिर्फ 4 तैराक ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया, लेकिन इन 4 तैराकों ने भी सिर्फ 3 बार ऐसा किया है, ठीक है। इन्होंने 4 बार जो है बिना रुके 4 बार इंग्लिश चैनल पार किया, तो याद रखिएगा सारा थॉमस का नाम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आईफा अवार्ड्स 2019 में निम्नलिखित में से किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? आईफा अवार्ड्स 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को राजी के लिए, राजी जो कि एक मूवी थी जिसमें इन्होंने एक जासूस की भूमिका निभाई थी, उसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा याद रखिएगा कि बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो राजी को मिला है, और बेस्ट
एक्टर का अवार्ड पद्मावत के लिए रणवीर सिंह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डी वाला है, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। तेलंगाना की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो इसने 2020 तक को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में घोषित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए, ये वाला पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा। अब बात करते हैं कल के प्रश्नों की, जिनके उत्तर आपको कमेंट करके बताने थे। पहला प्रश्न था कि सितंबर 2019 में डैश पुलिस ने रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए गूगल मैप के साथ समझौता किया है, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ये वाला था, यानी कि गुरुग्राम पुलिस की तरफ से रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए गूगल मैप के साथ समझौता किया गया है सितंबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए था कि निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम ने अंडर 19 एशिया कप 2019 का खिताब जीता है? तो एशिया कप 2019 अंडर 19 का खिताब भारत की तरफ से जीता गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहां पर बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्नों की, इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए तो इस वीडियो को डिसलाइक करें और मुझे बताएं कि क्यों आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज का है कि सितंबर 2019 में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन बनाए गए हैं? हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है कि 16 सितंबर से किस राज्य में पोषण माह अभियान के तहत बच्चों का सप्ताह मनाया जाएगा? पोषण माह अभियान के तहत बच्चों का सप्ताह मनाया जाएगा किस राज्य में, ये भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।